और इसको हम लोग के यहाँ ना दालमोट कहते हैं, दालमोट बिहारी भाषा में। तो जो अपने बिहार के तरफ के हैं उनको तो पता ही होगा दालमोट। सही है, मजेदार। अच्छा आप सुन रहे हैं ना कि नाराज हूँ, नाराज हूँ तो क्यों नाराज। मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम एक जगह आप फिक्स हो जाते हो ना तो दिमाग भी फिक्स हो जाता है आपका। चलिए ठीक है, बने रहिए, देखते हैं क्या राय होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा धो के रेडी हूँ किचन में और अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं कह कि चलिए क्या बनाती हूँ नाश्ता तो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो आज मैं सिंपल सा मैं पोहा बना रही हूँ क्योंकि पति जी चले गए ऑफिस, उनको बस दूध ब्रेड दे के, उनको दूध ब्रेड बहुत पसंद है और थोड़ा सा कहते हैं पोहा में मूंगफली डालती हो तो थोड़ा सा उनको गैस वैस होता है ना वो, तो उनको उतना मूंगफली नहीं पसंद है। तो अब मेरे बेटे को पसंद है, मुझे पसंद है, तो मैं कह के चलिए ठीक है हम अपने लिए बना लेते हैं। तो देखिए अब दिखाती हूँ मैं मूंगफली डाल के भून रही हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा मटर रखी हूँ मैं, नहीं इसको गर्म पानी में मैं थोड़ा सा इस ये थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको गर्म कर ली हूँ जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए हमारा मूंगफली, भुनने वाला है। उसके बाद इसमें मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि इतना मेरे मैं इतना नहीं करती हूँ, पहले मूंगफली भून के निकाल लूँ फिर मैं और चीज भूनू, बस मूंगफली पहले भून लेती हूँ। उसी में मैं थोड़ा सा अब लगेगा कि भून गया है तो थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ, हो गया। और इसी में प्याज डाल के फिर भून लूंगी। अब कितने एक एक बार करके आप निकालते रहो पूरे दिन, पूरे टाइम इतना टाइम नहीं होता है, बहुत बिजी रहती हूँ मैं, सारा घर का काम करना होता है, सब कुछ संभालना होता है, ब्लॉग भी बनाना होता है, घर का बाहर का सब कुछ देखना होता है। तो जितना हो ना किचन का काम बस शॉर्ट में करना चाहिए जो जल्दी जल्दी हो जाए फटाफट, अच्छा भी बने और ज़्यादा परेशानी भी ना हो। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जल्दी से जल्दी हो जाएगा, भून जाएगा। देखिए ज़्यादा जल्दीबाजी में कढ़ी पत्ता डालना ही भूल गई। एक तो उसको बेटे को पसंद भी नहीं है, उसका भी बहुत ही लफड़ा है भाई ये नहीं डालो ये नहीं डालो, और मुझे इतना टेस्टी लगता है पोहे वगैरह में कढ़ी पत्ता भाई, मैं तो डालूंगी। अब उसको पसंद हो क्या करूँगी, उसके प्लेट में डालने से पहले छांट छांट के निकाल लूँगी। ये है ना ऐसे ऑयल करके थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो ऐसे सब कुछ का जुगाड़ होता है यदि आप करना चाहो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जुगाड़ नहीं होता। ये देखिए ऐसे ये ऊपर करके इसको मतलब थोड़ा सा कढ़ी पत्ता कर ले रही हूँ। तो आप लोग भी सीख लीजिए, ये सब क्या होता है ना हम लोग ये एक्सपीरियंस का है, इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है ना हम लोग का किचन में बाहर सारा कुछ संभालना तो ये काम आता है। देखिए कितना बढ़िया भुन गया। अब ये मटर को भी डाल देती हूँ, अब थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। आज मुझे थोड़ा तीखा खाने का पसंद है, अब वो गुस्सा करे तो करे, आज मैं भी बहुत गुस्सा हूँ उससे, तो आज भी मैं भी अपने मन का ही करूँगी जो मुझे पसंद है। हमेशा ना बच्चों की आप सुनते रहो ना, बस बच्चे को लगता है कि हमें जो मन होगा हम करते रहेंगे, इसलिए आज जो मेरा मन है खाने में वैसे करूँगा, उसका तीखा लगे या जो भी लगे। ये देखिए भुन गया है सब कुछ, अब ये पोहे डाल देंगे। और इसके बाद इसमें थोड़ा नमक अपने टेस्ट के अनुसार, गैस कम कर देते हैं, गैस ज़्यादा। ये देखिए बन गया पोहा, थोड़ी सी धनिया पत्ता
जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बताइए कितना बढ़िया धनिया पत्ता का टेस्ट आता है, वो भी उसको पसंद नहीं है। अब छोटा थोड़ी है कि छोटा सा छोटा बच्चा है कि हमें ये नहीं पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है। बड़ा हो रहा है, कुछ दिन के बाद जॉब करेगा, लेकिन अभी भी नखड़ी उतनी ही है। ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये और ये हम मेरे पास मिक्सचर था, वो भुजिया वाला नहीं है, ये नॉर्मल मिक्सचर ही है, सब मिक्स है, मतलब मिक्स मिक्सचर है। तो यही डालती हूँ, और इसको हम लोग के यहाँ ना डालमोट कहते हैं, डालमोट बिहारी भाषा में। तो जो अपने बिहार के तरफ के हैं उनको तो पता ही होगा डालमोट। तो है ना, बिल्कुल अलग अलग चीज एक ही रहती है, आइटम एक रहता है, लेकिन हर जगह की भाषा की अलग अलग अपना लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये देखिए हम डाल दिए डालमोट ऊपर से, हो गया यम्मी। अब मैं इसको देख के आती हूँ, टेको दे दिए हैं, और ये है मेरा, और ये थोड़ा सा रख दी हूँ मेड आएगी ना, उसको भी थोड़ा सा दे देती हूँ। वो कभी कभी रहता है नाश्ता तो दे देती हूँ, कभी कभी नहीं तो किसी और के यहाँ से खा के आती हूँ। क्या ना, अभी तो पूरे दिन लगी रहती है ना घर छोड़ के, भूख तो लगती ही होगी, जो थोड़ा बहुत बनता है कभी कभी, मैं भी कोशिश करती हूँ कि दे दूँ। ये हो गया रेडी, सही है, मज़ेदार। अच्छा आप सुन रहे हैं ना कि मैं नाराज हूँ, नाराज हूँ। तो क्यों नाराज हूँ वो भी बता देती हूँ। अभी ये गया था ना जयपुर, गया था घूमने के लिए दोस्तों के साथ 3-4 दिन के लिए, इसको यहाँ रख देती हूँ। तो वहाँ गया तो दोस्तों के साथ खूब घूमा, एंजॉय किया। तो मैं बोली कि वहाँ से तुम जाओगे ना तो थोड़ा सा 2-3 क्लिप वगैरह वीडियो बना के भेज देना कि कहाँ कहाँ गए हो, तो कहाँ घूम रहे हो, तो मैं भी अपने व्यूअर के साथ अपना शेयर करूंगी ब्लॉग में। बोल रही हूँ बस खाली बेटा जा रहा है, गया है घूमने, घूमने गया है तो पता भी तो चलना चाहिए कहाँ घूमने गया। लेकिन सुन के ही राजी नहीं। मैंने वहाँ फोन की तो मम्मी आज नहीं कल डाल दूंगा, 2 दिन का इकट्ठे डाल दूंगा, आप एक ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा डाल देना। फिर 2 दिन के बाद फिर अब मम्मी अभी डिनर नहीं किया हूँ, रात लेट हो गया है, मैं आके देखता हूँ, ऐसे कर करके समय निकाल दिया पूरा। और यहाँ आए हुए अभी 2 दिन हो गया है, कहती हूँ कि दे दो मुझे क्लिप थोड़ा सा, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है, और बस तो इसी बात में नाराज हूँ मैं। तो अब वही है, अब उसको उतना वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अब मम्मी ब्लॉग बनाती है तो मम्मी ऐसा थोड़ी है कि चलो भाई किसको दिखाएगी, अपने बच्चों को अपने फैमिली को नहीं दिखाएगी तो किसको दिखाएगी, लेकिन सुनता ही नहीं है ना। तो आज बस इसी बात पे मैं बहुत नाराज हूँ, और क्या कर सकती हूँ, नाराज ही हो सकती हूँ ना, बड़े बच्चे हो गए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। उसको मन नहीं है तो नहीं मन है तो नहीं मन है, मैं कुछ भी कर लूंगी तो सुनेगा नहीं, बस कहेगा क्या मम्मी थोड़ी देर नाराज रहेगी फिर मान ही जाएगी। तो लेकिन गलत बात है ना, मुझे देना चाहिए उसे। आज मैं उससे पापा से भी शिकायत करूंगी, जब मेरी बात नहीं सुनता है ना तो मैं हाई कमान के पास जाती हूँ। ऐसे उनको मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, कभी शिकायत वगैरह नहीं करती हूँ ज्यादा, लेकिन जब बिल्कुल एकदम लगता है कि अब मेरी बात बिल्कुल मानेगा नहीं मान रहा है और मुझे वो चीज चाहिए तो बोलूंगी। आज आएंगे ना ऑफिस से, देखती हूँ क्या करता है, उनका भी बात मानता है कि नहीं मानता है अब। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो भी ऐसी है, कहेंगे कि कोई बात नहीं, नहीं देने का मन है तो जिद क्यों कर रही है, रहने दे। तो हम देखती हूँ क्या होता है, बने रहिएगा ब्लॉग में। ऐसे मैं ना उसको बहुत शो कर रही हूँ कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन ना मैं ज्यादा देर ना गुस्से में नहीं रह सकती, मुझे अंदर अंदर हंसी आते रहती है। तो अभी देख के आई हूँ मैं पोहा, चुपचाप देख के आई हूँ, कुछ बोली नहीं हूँ, और आज इसीलिए उसका वीडियो में भी शूट नहीं कर रही हूँ। बैठा हुआ लैपटॉप लेके पूरे दिन बैठे रहेगा बिस्तर पे और करते रहेगा, क्या पता नहीं जल्दी से उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो और जॉब लगे, जो बाहर आना जाना फिजिकली मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम एक जगह आप फिक्स हो जाते हो ना तो दिमाग भी फिक्स हो जाता है आपका। चलिए ठीक है, बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। जाम था बहुत, जाम उसको कहा जाएगा, तो कहता है हम लोग
यही से कोई आप निकल नहीं सकते। आरसी मिल गया तो उसके लिए तो पार्टी बनता है ना। चलिए आज ही ले लीजिए। पार्टी ले लीजिए आज। इतना परेशान थे ले लिया। आ गया क्या? जाकर लिया हूँ मैं। आरटीओ ऑफिस ऐसा है 10 महीने के बाद दिया ये। सही कितना बार मैडम को बोला मैंने तो कहती कि परसों आया था। मेरे फोन तो करना चाहिए आपको। परसों आया तो याद क्यों नहीं आया था? क्या हुआ मेरा बता? तो मैं जाता है ऑफिसर के पास पक्का लिया मिला हुआ था ना। CNG लिखा हुआ पेट्रोल ऑफिस। मुझे सब रहा था कि लंबा वाला में आएगा आरसी। अच्छा तो आ गए हैं ऑफिस से और उनको आरसी बहुत टाइम बाद मिला है। 3 महीने बाद वो सीएनजी वगैरह डलवाना था तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी तो आज बड़ी मुश्किल से मिली है। तो फिर मुझे लगा कि अभी नहीं बोलना चाहिए ये बात अभी, और इतनी ट्रैफिक में जाम में आए हैं 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद, और फिर कोई शिकायत लेके बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगता ना। और फिर बेटा भी आ गया, बात करने लगा। मैं कि खामा खा का डांट देंगे या कुछ ऐसा बोल देंगे तो वैसे भी मूड थोड़ा खराब हो जाएगा। तो मैं अपना खाना बनाने के लिए चली गई और ये लोग अपना बात करने लगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।